हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शोभनी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ब्यूटी से रिलेटेड और कुछ ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हों। तो मैं आज आप लोगों के साथ लोरियल का एंटी एक्ने फाउंडेशन क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो मैंने अपने लोकल मार्केट से 200 रुपये में परचेज़ की है और ये मुझे 200 रुपये में 60 ml मिली है। मैंने इसको इसलिए परचेज़ किया था क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना था कि इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन ब्राइट भी होती है, सारे दिन आप इसको मेकअप जैसे लगा सकते हैं और आपको मेकअप के ज़्यादा लेयर बाई लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं होती इसके बाद, और साथ साथ आपकी स्किन को सन प्रोटेक्ट करता है। इसलिए मैंने इसको 200 रुपये में परचेस कर लिया था। मैंने इसको ट्राई के लिए किया था कि देखूं मैं इसमें क्या कैसा है। तो रियल में ये लोरियल कंपनी की एंटी एक्ने फाउंडेशन क्रीम है, जो मुझे 60 ml 200 रुपये में मिली है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें विटामिन सी है, जो हमारी स्किन को ब्राइट करता है, साथ साथ ये सन से भी प्रोटेक्शन देने का वादा करती है, साथ साथ ये आपके जो डार्क ब्लैक निशान वगैरह फेस पर हो जाते हैं ना, उसको भी रिमूव करता है, साथ साथ स्किन को ब्राइट करता है। तो इसमें काफ़ी कुछ दावे किए गए हैं, तो मैं आपको पर्सनल यूज़ के बाद मैं इसको 15-20 दिन से अपने मेकअप के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो रियल मैं इसको बता रही हूँ कि इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट इसका ये है कि आपको इसको लगाने के बाद सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत या अलग से सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको अप्लाई कर लीजिए और इसके लगाने से आपको अलग से फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज इसमें इस क्रीम की अगर हम बात करें तो रियल में फाउंडेशन बेस पर होती है। आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इसको अप्लाई कर लीजिए, काफ़ी थिक होती है, मॉइस्चर भी देती है। आप इसको अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप अपना फेस पाउडर जो होता है उसको लगा लीजिए और कोई भी लिपस्टिक के साथ आप अपने मेकअप को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये नहीं लगेगा कि अभी आपको फाउंडेशन लगाना है, अभी आपको कंसीलर लगाना है या पूरा मेकअप होने के बाद हाइलाइटर लगाना है, तो ये सब कुछ नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें खुद इस क्रीम में इतना फाउंडेशन बेस जैसी ही होती है, तो आपको अलग से फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत तो पड़नी नहीं है। और ये जितने भी काले दाग वगैरह हैं उसको भी प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करने के साथ साथ धीरे धीरे रिमूव भी करती है। और अलग उसके बाद अगर आप सोचें कि भाई समर है सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, तो सनस्क्रीन भी नहीं लगानी पड़ेगी, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करती है। और साथ साथ आपको, आप सारे दिन मेकअप करते हैं तो स्किन की भी टेंशन होती है कि पिंपल्स ना निकलें, ये ना हो जाए, तो ये भी नहीं होगी आपको, ना तो पिंपल्स निकलेंगे, साथ साथ आपकी स्किन मेकअप के बावजूद आपकी स्किन ब्राइट होती जाती है, दिन पर दिन ब्राइट हो जाती है। तो ये देखिए, निकालने के बाद मैं इसको दिखा रही हूँ, ये कुछ इस प्रकार की होती है, जो काफ़ी थिक है, अच्छी है। आपको इसको क्रीम बेस पर लेकर आपके सारे फेस पर हाथों से या ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू अप्लाई कर लेना है, उसके बाद कोई भी फेस पाउडर लगा लेना है और आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। इसकी खुशबू की बात की जाए तो बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी। और अगर आपको ये टेंशन रहती है कि यार इसके बाद रात को तो कोई क्रीम लगानी ही पड़ेगी, तो हाँ, आप इसको मेकअप वॉश करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं और सो सकते हैं। आप नेक्स्ट डे फिर से इसको अपने मेकअप के लिए अप्लाई कर लीजिए। आपसे इसको लगाने से ना तो आपकी स्किन डैमेज होगी और आपकी स्किन दिन पर दिन उल्टी ब्राइट होती जाती है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, स्किन थोड़ी सी लाइटिंग की वजह से आपको हाथ सही नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे बेटर हाथ लग रहा था मेरा। और ये देखिए इसमें कितनी चमक है। तो आप अगर मेकअप करते हैं उसके बाद आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी क्रीम या अगर आप लोग ये क्रीम लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आपको लोकल मार्केट पर नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन नायका, पर्पल और अमेजोन से भी मंगा सकते हो। लोरियल कंपनी की है, काफ़ी ब्रांडेड है, तो आप इसको वहाँ से भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। 200 रुपये में आपको 60 ml मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी क्रीम है।